दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को विश्व की सबसे भयंकर टीम मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है जिसका तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और इसके तीन दिन समाप्त हो चुके हैं और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं तीसरे दिन के हाईलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत में से कौन खिलाड़ी इस टेस्ट मैच में सबसे शानदार प्रदर्शन कर रहा है, अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के केप टाउन स्टेडियम पर अपना तीसरा और निर्णायक टेस्ट मैच खेल रही है। विराट कोहली टीम में वापसी करते हुए नजर आए और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं विपक्षी टीम के कप्तान डीन एल्गर टॉस हारकर निराश होते हुए नजर आए और कप्तान डीन एल्गर ने कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम ने पिछले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, वहीं जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय टीम को हमारी पिछले मैच में खेली गई साउथ अफ्रीका की टीम ही हरा देगी। तो वहीं विराट कोहली ने टॉस जीतकर अपनी टीम का मनोबल ही बढ़ा दिया और वहीं टीम में हनुमा विहारी की जगह विराट कोहली की वापसी कराई और क्योंकि विराट कोहली को टीम में जगह देने के लिए हनुमा विहारी को मजबूरन ही बाहर करना पड़ा, तो वहीं मोहम्मद सिराज के चोटिल होने के कारण उनकी जगह उमेश यादव को मौका दिया गया। तो फिर बल्लेबाजी में भारतीय टीम ने साधारण सा प्रदर्शन किया जिसमें सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए जिन्होंने 79 रन 12 चौके और एक छक्के की मदद से बनाए और इसके अलावा पुजारा ने 43 रन, पंत ने 28 रन और इन्हीं सबकी बदौलत भारतीय टीम पहली पारी में 223 रन बना पाई। इसमें सबसे ज्यादा विकेट कगिसो रबाडा ने लिए, उन्होंने 4 विकेट लिए। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो 5वें ओवर की 4थी गेंद पर कप्तान डीन एल्गर ने अपना विकेट 16 गेंद खेलकर 3 रन पर जसप्रीत बुमराह को दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए केशव महाराज ने 6 रन और मार्करम ने 8 रन नाबाद बनाए और साउथ अफ्रीका ने दिन के अंत तक 8 ओवर में 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए। वहीं दूसरे दिन का खेल प्रारंभ होने तक दूसरी ही गेंद पर बुमराह ने मार्करम को आउट कर दिया और मार्करम ने 8 रन 1 चौके की मदद से बनाए थे, पर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पीटरसन आए तो वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे केशव महाराज ने लगातार 3 ओवर में 1-1 चौके जड़कर अपने रनों की बढ़ोतरी और 16वें ओवर में शमी की गेंद पर पीटरसन के 2 कैच भारतीय टीम ने छोड़ दिए और जिसमें केशव महाराज ने 25 रन 4 चौके की मदद से बनाकर अपना विकेट उमेश यादव को दे दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने वेंडर हुसैन आए और 40वें ओवर में अपना विकेट 21 रन बनाकर उमेश यादव को दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज तेंबु बावुआ आए और आते ही अपनी दूसरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। वहीं 41वें ओवर की पहली गेंद पर पीटरसन ने अपना दूसरा अर्धशतक जमाया और इसके बाद 56वें ओवर में तेंबु बावुआ 28 रन 3 चौकों की मदद से बनाकर मोहम्मद शमी के द्वारा आउट हो गए और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वर्ने आए और दूसरी गेंद पर 0 रन बनाकर शमी का शिकार हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्को जेंसन आए और 7 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह के शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कगिसो रबाडा आए और उन्होंने एक तरफ डटकर बल्लेबाजी कर रहे पीटरसन का साथ दिया और पीटरसन 166 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से 72 रन बनाकर 65वें ओवर में जसप्रीत बुमराह के द्वारा आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ओलिवर आए तो वहीं 72वें ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम 200 का आंकड़ा पार कर गई और रबाडा 15 रन 1 चौके की मदद से शार्दुल ठाकुर का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लुलुंगी अंगिदी आए और 3 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह के शिकार हो गए और ओलिवर 10 रन बनाकर नाबाद रहे और वहीं इसी के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम 210 रन पर ऑल आउट हो गई और इसी के साथ ही भारतीय टीम 13 रन की लीड के साथ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आई तो तीसरे ओवर में राहुल ने लगातार 2 चौके जड़कर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को डरा दिया, लेकिन अगले ही ओवर में रबाडा ने मयंक अग्रवाल को 1 चौके के साथ 7 रन बनाकर आउट कर दिया। वहीं इसी के बाद राहुल अगले ही ओवर में 2 चौकों के साथ 10 रन बनाकर अपना विकेट मार्को जॉनसन को दे बैठे और दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 17वें ओवर तक 57 रन बना दिए और 2 विकेट गंवा दिए और वहीं तीसरे दिन की शुरुआत के दूसरे ही गेंद पर चेतेश्वर पुजारा ने 9 रन 1 चौके की मदद से बनाकर अपना विकेट मार्को जॉनसन को दे दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के पूर्व उप कप्तान अजिंक्य रहाणे आए और आते ही अगले ही ओवर में आखिरी गेंद पर रबाडा के शिकार हो गए और जिसमें अजिंक्य रहाणे ने 1 रन बनाए और इसके बाद बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत आए और आते ही 22वें ओवर में 2 चौके जड़े और 41वें ओवर में ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी जिसमें उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा, तो वहीं 43वें ओवर में उन्होंने अपना साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना अर्धशतक पूरा किया और
40वें ओवर में अपना गियर टॉप गियर में लगा दिया, जिसके हिसाब से उन्होंने केशव महाराज को निशाना बनाया और ओवर की पहली और दूसरी दोनों गेंदों पर लंबे लंबे छक्के चढ़ दिए। और वहीं इसके अगले ओवर में विराट कोहली 4 चौकों की मदद से 29 रन बनाकर लुंगी अंगीदी का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए और 53 ओवर में अश्विन 7 रन बनाकर लुंगी अंगीदी का शिकार हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए और 57वें ओवर की पहली बॉल पर 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर 1 चौके की मदद से आउट हो गए और वहीं लुंगी अंगीदी का शिकार हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए उमेश यादव, तो वहीं 58वें ओवर में ऋषभ पंत ने लगातार 1 छक्का और 1 चौका जड़कर 59वें ओवर में रबाडा ने उमेश यादव को 0 रन पर आउट कर दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आए और उन्होंने 0 रन बनाकर मार्को जेंशन को अपना विकेट दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह आए और वहीं 8वें ओवर में ऋषभ पंत ने अपना 5वां शतक पूरा किया और वहीं जसप्रीत बुमराह ने अपना विकेट 2 रन बनाकर मार्को जेंशन को दे दिया। और तो और ऋषभ पंत अंत तक नाबाद 100 रन 6 चौके और 4 छक्के की मदद से बनाए और 198 रन पर ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। तो वहीं साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों में मार्को जेंशन ने सर्वाधिक 4 विकेट और रबाडा और लुंगी अंगीदी ने 3-3 विकेट लिए और भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के लिए 212 रनों का टारगेट सेट किया। और जब साउथ अफ्रीका की टीम टारगेट चेस करने के लिए उतरी तो पहला विकेट 8वें ओवर में मार्क्रम के रूप में लगा, जिन्होंने 16 रन 4 चौकों की मदद से बनाए और अपना विकेट मोहम्मद शमी को दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पीटरसन आए और एल्गर के साथ मिलकर अर्धशतक की साझेदारी की, तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम 29वें ओवर में अपने 100 रन के आंकड़े को छू लिया। तो वहीं अगले ही गेंद पर डीन एल्गर 30 रन 3 चौकों की मदद से बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार हो गए और साउथ अफ्रीका की टीम ने 3रे दिन के अंत तक टीम ने 101 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जिसमें पीटरसन 48 रन 4 चौकों की मदद से बनाकर नाबाद खड़े हैं। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम को अब जीत के लिए मात्र 111 रन चाहिए और साउथ अफ्रीका के हाथ में अभी 8 विकेट बचे हुए हैं। और अगर साउथ अफ्रीका की टीम इसी तरह से प्रदर्शन करती है तो साउथ अफ्रीका इस निर्णायक टेस्ट मैच को आराम से जीत जाएगी। तो दोस्तों, भारतीय टीम इस सीरीज को जीत सकती है या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।